लखीमपुर खीरी की घटना से ताज नगरी दहल उठी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के लिए सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। सपाइयों के प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यालय छावनी में तब्दील हो गया। लखीमपुर खीरी की दर्दनाक घटना और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद अब ताज नगरी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी से सपाइयों में आक्रोश की लहर है। इसी आक्रोश के चलते सपाइयों ने ऐलान किया था कि जिला मुख्यालय का घेराव कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई की मांग करेंगे, लेकिन जैसे ही सपाई कैंप कार्यालय पर एकत्रित होकर जिला मुख्यालय की ओर कूच करने निकले, वैसे ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंच गया और कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन सिपाहियों के बुलंद हौसलों के आगे पुलिस की एक न चली और सिपाही सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। मामला बढ़ता देख मौके पर पीएससी को बुलाया गया। इस तरीके से केंद्रीय मंत्री के नाते किसान भाइयों को रोलने का काम किया, मारने का काम किया, उसमें एक पत्रकार भाई की भी मौत आज सुबह हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लखीमपुर खीरी जा रहे थे, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए सरकार ने उनको गिरफ्तार कराया, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में भी समाजवादी लोग रोड पर निकले हैं और हमें कलेक्टिव कूच नहीं करने दिया, तो हम लोग फतेहाबाद रोड पर चौराहे पर हम लोग आज बैठे हैं और धरना देकर बैठे हैं। हमारे तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से तानाशाही सरकार पुलिस का रवैया हमें घेर के, तमाम थानों का फोर्स पीएसी हमें घेर के पड़ा है, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हमारी मांग है कि उन हत्यारों के खिलाफ एफआईआर हो, इन हत्यारी सरकार को हमारे मां महिम बर्खास्त करें और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को रिहा किया जाए, जिससे वो दुख दर्द बांटने लखीमपुर खीरी लोगों के बीच में जा सके। सपाइयों ने बताया कि यदि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जल्द ही रिहा नहीं किया गया तो सपाई उग्र प्रदर्शन को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।